दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय महतारी ब्यूटी शॉप। जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को चरितार्थ किया है नूरपुर थाना में तैनात मुख्य आरक्षी अजय तथा आरक्षी पवन ने। थाना नूरपुर के अंतर्गत जसूर में सुनीश नामक युवक के 2 लाख रुपए बैंक जाते समय मोटरसाइकिल से कहीं गिर गए। इसकी रिपोर्ट लिखवाने वह नूरपुर थाना गए, जहां से उपायुक्त पुलिस जवान उसके साथ आए तथा सुनीश द्वारा प्रयोग किए गए रास्ते में खोजबीन की। उन्होंने रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता ली तथा पाया कि बाइक चलाते समय सुनीश का बैग खुला था, जिससे पैसों का पैकेट कहीं गिर गया। उन्होंने उस घटना के बाद वहां से गुजरने वाले व्यक्तियों को सीसीटीवी की सहायता से पहचान कर पूछताछ अमल में लाई। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने बताया कि उसने वह गिरा हुआ पैकेट उठाकर अपने पास रखा है। पुलिस ने वह बैग उस व्यक्ति से लेकर सुनीश कुमार के हवाले किया। हाँ जी सुनीश जी, नमस्कार सर, तो मेरा नाम सुनीश कुमार है और मैं जसूर में रहता हूँ। कल मेरा कैश 2 लाख रुपये मेरे बाइक से गिर गया था, ठीक है। तो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की, वो मेरे को नहीं मिला। उसके बाद मैंने नूरपुर थाना में आके अपनी कंप्लेंट लिखवाई, तो मेरा उस साथ में अजय जी मेरे साथ गए, तो उन्होंने मेरा जो कैश था मेरे को ढूंढ के वापस दिलवा दिया। मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अगर इनकी सहायता ना मिलती तो मेरा कैश नहीं मिलता। थैंक यू सर। सर कल सुनीश कुमार ने उन्होंने एप्लीकेशन दी थी थाना में, तो उसी एप्लीकेशन के आधार पर तो हम उनके साथ रेंज की मदद करने के लिए गए। हमें भेजा गया यहाँ से, मैं और पवन आरक्षी पवन कुमार हमारे साथ गया। हम वहाँ पर जाके इनसे पूरी बात पता की कि किस तरीके से चले थे, किस तरीके से इनके पैसे गिरे हैं। फिर हमने वहाँ सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर काफ़ी देरी के बाद, मतलब 2-3 कैमरे चेक करने के बाद हमें ऐसा लगा कि इनके बैग खुला हुआ था और बैग में एक लिफाफा था वही, और उसका पहले ये पता नहीं चल रहा था कि कहाँ जैसे गिरा है। फिर हमारी मदद की, यहाँ वाइन की शॉप है सर, वाइन की शॉप के हमने सीसीटीवी कैमरा चेक किए तो वहाँ देखा, तो थोड़ा सा आगे जाकर उनका जो बैग गिरा हुआ है वो किसी वहीं के एक लोकल व्यक्ति ने अपने पास संभाल के रख लिया था। फिर उसी के आधार पर हमने उस व्यक्ति से लेकर इनको पैसे वापस करवाए किए हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से पवन शर्मा की रिपोर्ट।